हुगली के किनारे बसे कलकत्ता शहर में एक आईएएस बनी लड़की के साथ सुबह सुबह में कुछ ऐसा हो रहा था कि धड़कनें कांप गईं। काजल, जी हाँ काजल घोष, जो कि 20 वर्ष की थी, वह आदतन अपनी माँ के साथ रोज की तरह लोगों के घरों में बर्तन धुलने के लिए निकलती है। काजल, जो कि बीएससी अंतिम वर्ष की स्टूडेंट थी और सोशल मीडिया पर आईएएस अफसर के बारे में खूब सुना था कि उनके पास पावर होती है और यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल जाती है, और यह सब देख काजल भी यूपीएससी की तैयारी में लग जाती है और साथ ही में माँ के साथ काम भी करती। रोज की तरह काजल और उसकी माँ आज भी बर्तन के काम के लिए दिलीप बाबू के घर पहुंचते हैं। दिलीप बाबू जो कि एक बिल्डर थे और साथ ही ना जाने कैसे कैसे काम भी किया करते थे, ऐसा पड़ोसियों में सुनाई पड़ता था। अब माँ और काजल दिलीप बाबू के घर पहुंचते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं, और तभी दिलीप बाबू दरवाजा खोलते हैं और अंदर कमरे में दो और आदमियों को होने की दस्तक होती है। यह देख माँ और काजल सहम जाते हैं क्योंकि वो दो अन्य व्यक्ति शराब के नशे में होते हैं। अब काजल धीरे धीरे सारे बर्तन इकट्ठा करने लगती है और साथ ही में अपने कान में ईयरफोन लगाकर राज्यसभा टीवी के डिबेट द बिग पिक्चर भी सुन रही होती है, क्योंकि काजल को यह पता था कि यूपीएससी की तैयारी में राज्यसभा टीवी के कुछ ऐसे कार्यक्रम तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होते हैं और वह काम के साथ साथ पूरी लगन से डिबेट को भी सुनती। इतने में तभी किचन में दिलीप बाबू के घर में आया एक आदमी किचन में आ पहुंचता है और काजल की ओर बेढंग तरीके से देख उससे पानी मांगता है और वहां से चला जाता है, और रोज की तरह माँ और काजल घर आ जाते हैं। अगली सुबह माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो काजल माँ से कहती है कि माँ तू आज आराम कर और दिलीप बाबू के यहां मैं बर्तन का काम कराती हूँ। और इस तरह आज अकेले काजल दिलीप बाबू के यहाँ बर्तन के लिए निकल जाती है। सामान्यतः बर्तन धुलने के काम में रोज एक घंटे का वक्त लग जाता था, लेकिन सुबह की निकली काजल शाम होने को थी और अभी भी वह घर नहीं पहुंचती। माँ को लगा कि शायद काजल वहीं से कॉलेज चली गई हो, लेकिन जैसे जैसे शाम का धुंधलापन अंधेरे में तब्दील हो रहा था, वैसे वैसे माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब शाम के 6 बज चुके थे, माँ से रहा नहीं गया तो वह दिलीप बाबू के घर दौड़े दौड़े जाती है, लेकिन दिलीप बाबू मिलते तो हैं, पर जो बात दिलीप बाबू ने माँ को बताई वह सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप बाबू बताते हैं कि आज काजल काम पर आई ही नहीं थी। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल था। एक यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाली सीरियस लड़की जो अपने समय और तैयारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, उसका दिन भर गायब रहना माँ को और भी डरा रहा था। माँ दौड़ते भागते उन हर जगहों पर गई जहाँ काजल प्रतिदिन घर के शोर शराबे से दूर किताबें पढ़ने जाया करती थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और इसी कसमकस में पूरी रात निकल जाती है कि अगली सुबह दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है और माँ दरवाजा खोलती है और पाती है कि काजल रोने वाली अवस्था में घर में घुसती है। अब माँ काजल से लगातार पूछती रही कि क्या हुआ, रो क्यों रही है, तू कल से कहा थी। इस पर काजल और रोई जाती है और खूब पूछने पर बताती है कि कल सुबह जब वह घर से दिलीप बाबू के घर बर्तन के काम के लिए निकलती है, उसी वक्त दिलीप बाबू के घर जो कल जो अन्य दो व्यक्ति आदमी आए थे, वह दिलीप बाबू के घर के बाहर उससे मिलते हैं और अपने घर काम के बहाने ले जाते हैं और उससे भद्दी भद्दी बातें करते और पूरे दिन और रात बंधक बनाए रखते हैं। काजल ने यह भी बताया कि उनमें से एक आदमी ने यह भी धमकी दी है कि अगर हमारी शिकायत किसी से की तो तुम्हें जीने नहीं देंगे, लेकिन काजल ने यह प्रण किया था कि इसकी शिकायत वह पुलिस से जरूर करेगी। लेकिन जब भी उनकी धमकी याद आती काजल सहम सी जाती, और वह सहमे भी क्यों ना, आखिरकार वह थी तो एक मजदूर जिसने आईएएस यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को तोड़ने का मन बनाया था। उसकी हिम्मत एक ही झटके में जवाब देने लगी थी। ऊपर से धमकी के रूप में काजल को यह भी कहा गया था कि अगर वह ज्यादा उछली तो उसके ऊपर चोरी और अन्य मामलों का आरोपी बनाकर जेल भिजवा देंगे।
काजल एक छोटे से घर में रहकर अपने औकात से बढ़कर मनोबल के सहारे आईएएस परीक्षा की तैयारी में लगी थी, लेकिन गलत धाराओं में फंसाने के डर से वह चुप हो जाती है और दिल में जल रहे आग को यूपीएससी की तैयारी में झोंक देती है। काजल को पता था कि यदि वह इन सब के चक्रों में पड़ी तो तैयारी तो दूर, घर में खाने के पैसे भी नहीं आएंगे। अब काजल ने तय किया कि उसे किसी भी कीमत पर आईएएस बनना है और अब वह दिन भर पढ़ाई में डूब जाती है। क्या सुबह, क्या दोपहर और क्या शाम, काजल को तो बस वो अपमान दिख रहा था जब उसे पूरे दिन और रात बंधक बनाकर रखा गया था, और इसी अपमान के बदले के सहारे वह यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जो भी मापदंड होने चाहिए वह सब करते जा रही थी और अंततः यूपीएससी की परीक्षा भी आ गई। लेकिन काजल का पहला प्रयास ही असफल रहा, यानी वह आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में ही फेल हो गई। जब कभी कोई अपना 100% पूरी जी जान से किसी चीज के लिए लगा दे और फिर भी असफल रहे तो ये समझिए वह असफल बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वह सफलता के पास ही है। और ऐसा ही काजल के साथ भी हुआ था। काजल ने फिर से तैयारी शुरू की और इस बार 100 से अधिक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए और उसकी मेहनत रंग लाई। जी हाँ, काजल ने बिना किसी रुकावट की यूपीएससी प्री और मेंस परीक्षा पास कर इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। इस बीच घर में आर्थिक तंगी जोरों पर आ गई, माँ की तबीयत फिर खराब होने लगी थी और पैसों की कोई आमदनी नहीं दिख रही थी कि तभी एक दिन दिलीप बाबू काजल के घर आते हैं और काम पर फिर से काजल को चलने को बोलते हैं और यह भी कहते हैं कि जो हुआ भूल जाओ और काम पर कल से आ जाओ, नहीं तो देखता हूँ इस पूरे मोहल्ले में तुम्हें कौन काम देता है। काजल और उसकी माँ सहमे हुए आवाज में मना कर देते हैं, लेकिन दिलीप बाबू पहले ही धमकी देकर जा चुके थे। बहरहाल इन सब के बीच आयोग ने यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया और आज रिजल्ट के साथ यह दिन काजल के लिए जिंदगी का सबसे अहम दिन बन गया। जी हाँ, काजल ने परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता पाली थी और आईएएस वाले पद के लिए योग्य हो गई थी। जी हाँ, काजल ने वो रैंक पाली थी जिससे उसे आईएएस वाले पोस्ट आसानी से मिल सके, यानी कि वो आईएएस अफसर बन गई थी। दोस्तों, काजल की जिंदगी में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे। कभी बर्तन धुलने से मजदूर के सफर से एक आईएएस अफसर बनने तक का ये जो सफर था, आप सोच सकते हैं कि कई बार लोगों के पास संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, सब कुछ पैसे होते हैं, लेकिन उनके पास मनोबल की कमी होती है। वो पैसों का अभाव कभी कभी लोगों को बहुत ऊपर ले जाता है। जब आपके पास किसी चीज का अभाव होता है तो उस अभाव को आप सफलता में तब्दील कर देते हैं, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे भी कर जुगाड़ करके कैसे भी कर पैसे इकट्ठा करेंगे, पढ़ाई करते हैं और अपनी सफलता पा लेते हैं। लेकिन कई बार लोगों के पास पैसे भी होते हैं लेकिन उन चीजों को वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको प्लीज क्या करना है कि आपको आज से लग जाना है और लगातार पढ़ाई करते रहिए। आज नहीं तो कल आपका जो एम है, जो आपने अचीव करना चाहते हैं, वो आपके पास होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज फेसबुक पे अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और लाइक का बटन दबा दें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हुगली के किनारे बस